गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू हिंदी ग्रामर क्लास। कल हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था। चैप्टर 6 का नाम था शब्द मंजूषा, और शब्द मंजूषा के 5 पार्ट होते हैं, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और अनेकार्थक शब्द। तो पर्यायवाची शब्द, जिनको इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं, वो हमने कल सीख लिए थे। आज हम सीखेंगे विपरीतार्थक शब्द, इंग्लिश में इनको बोलते हैं एंटोनिम्स। और ये विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, विपरीतार्थक शब्द इंग्लिश में बोलते हैं एंटोनिम्स। इनका क्या मतलब होता है? विपरीत का मतलब होता है उल्टा, और इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है अर्थ और एक, है ना। तो विपरीत अर्थ देने वाले, यानी कि उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। परस्पर विपरीत अथवा उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक, या उन्हें हम विलोम शब्द भी कहते हैं। तो या आप विलोम शब्द बोल दीजिए, या आप विपरीतार्थक शब्द बोल दीजिए, बात एक ही है। जैसे शब्द है हंसना, और हंसने का उल्टा अर्थ देना क्या होगा? रोना। तो हंसना और उसका उल्टा अर्थ देना क्या होगा? रोना। तो ये जो प्यारी सी बच्ची है, ये हंस रही है, और इसका अपोजिट काम कौन कर रहा है, उल्टा काम कौन कर रहा है? ये प्यारी सी बच्ची कर रही है, और ये क्या कर रही है? ये रो रही है। तो ये हंसना और इसका उल्टा अर्थ देने वाला शब्द हुआ रोना। तो यहाँ हंसना और रोना शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध करा रहे हैं। बोध कराने का मतलब हमको बता रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं। बोध मतलब ज्ञान, नॉलेज। अतः ये परस्पर विलोम है। परस्पर मतलब एक दूसरे के, अतः ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ऐसे बहुत सारे विलोम शब्द होते हैं, और ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिन्हें हम विलोम समझते हैं, लेकिन वो विलोम नहीं होते। जैसे हम खाने का विलोम समझ लेते हैं पीना। अब बताइए, खाने का विलोम कैसे हो सकता है पीना? ये तो युग्म शब्द है ना, खाना पीना एक साथ मिलकर बनते हैं। तो विलोम का मतलब जस्ट उल्टा। तो खाना तो मतलब हुआ ना खाना, मतलब भूखा रहना, लेकिन पीना तो उसका विलोम शब्द नहीं हो सकता ना। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हम विलोम शब्द लिखते वक्त जो है वो अक्सर कर देते हैं। इसी तरह से हम महिला का विलोम शब्द लिख देते हैं पुरुष। अब महिला का विलोम नहीं है, उल्टा अर्थ नहीं दे रहा है पुरुष, बल्कि वो उसका दूसरा लिंग है। तो जेंडर अगर हम पूछें, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की अगर हम बात करें, तो वो विलोम शब्द में नहीं आते हैं। नाना का नानी विलोम शब्द नहीं है, चाचा का चाची विलोम शब्द नहीं है। वो वहाँ पर हमने उनका लिंग परिवर्तन किया है, विलोम नहीं लिखा है। तो जब भी विलोम शब्द पूछे जाए, तो हमेशा ये सोच कर लिखने हैं कि क्या ये वाकई हमको उल्टा अर्थ दे रहे हैं, विपरीत अर्थ दे रहे हैं, तभी हम इन्हें विलोम शब्द बोलेंगे, तभी हम इन्हें विपरीतार्थक या एंटोनिम्स बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ विलोम शब्दों की कुछ लिस्ट दी गई है, उसमें कुछ विलोम शब्द हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि इन विलोम शब्दों के क्या अर्थ हैं। ठीक, देखिए पहला शब्द है उग्र, और उग्र का विलोम शब्द होता है शांत। तो उग्र मतलब कौन हुआ? जो गुस्सैल होता है, जिसको गुस्सा जल्दी आ जाता है ना, जो क्रोध में बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं उग्र। और इसका अब परस्पर उल्टा अर्थ क्या दे रहा है? शांत, यानी कि जिसको बिल्कुल क्रोध नहीं आ रहा है, जो बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है, वो है शांत। तो उग्र का विलोम हुआ शांत। अनुज और अग्रज, ये दोनों विलोम शब्द हैं। अनुमीस होता है पीछे, और जर्मीस होता है जन्म लेना, यानी कि जिसने मेरे पीछे जन्म लिया हो, मेरे बाद जन्म लिया हो, वो मुझसे छोटा होगा। ठीक है, और अग्रमीस होता है आगे, और जर्मीस होता है जन्म लेना, मतलब जिसने मुझसे पहले जन्म लिया हो, जिसने मुझसे आगे जन्म लिया हो, वो मुझसे बड़ा होगा। तो अनुज जो बोलते हैं, वो अपने छोटे भाई को अनुज बोलते हैं, और जो अग्रज बोलते हैं, वो अपने बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं। अब इनका उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये आपको पता लग गया। तो अनुज का विलोम शब्द हुआ अग्रज, और अग्रज का विलोम शब्द हुआ अनुज। इसी तरह से देखिए पक्ष और विपक्ष। वी मीन्स मतलब होता है दूसरा, तो दूसरा हमने यहाँ पर उपसर्ग लगा दिया,
और उसके साथ ये बन गया विपक्ष, मतलब दूसरा पक्ष। तो एक हुआ पक्ष और एक हुआ दूसरा पक्ष, यानी कि एक अगर हमने सिक्का ले लिया, या मेरे पास अभी फिलहाल ये इरेजर है, तो ये हुआ इसका एक पक्ष और ये हुआ इसका दूसरा पक्ष। ठीक है, तो एक ही सिक्के के दो पहलुओं को देखना। तो पक्ष का मतलब होता है फेवर और विपक्ष का मतलब होता है ऑपोजिशन में, है ना। तो पक्ष की पार्टी और विपक्ष की पार्टी ऐसे भी बोलते हैं हम, एक सरकार की पार्टी हो गई और एक उसके ऑपोजिशन की विपक्ष की पार्टी हो गई। तो पक्ष और विपक्ष। सेवक, सेवक मतलब जो सेवा करे, इसमें अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, सेवा में अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है और सेवा में जुड़ा हुआ है अक प्रत्यय, और यहाँ पर उसका विलोम शब्द है स्वामी। क्या है? स्वामी। स्वामी मतलब जो मालिक हो, तो सेवक का मालिक भी हो सकता है और सेवक का स्वामी भी हो सकता है। एक चीज़ विलोम शब्द लिखते समय ध्यान रखी जाती है कि तद्भव शब्द का विलोम तद्भव ही लिखा जाता है और तत्सम शब्द का विलोम तत्सम ही लिखा जाता है। जो तद्भव शब्द होंगे उनका विलोम लिखते समय तद्भव शब्द ही लिखा जाएगा, तत्सम नहीं लिखा जाएगा, है ना। चलिए, सेवक का विलोम शब्द स्वामी। धरती, नीचे धरती है और ऊपर आकाश है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, अपोजिट हैं, तो धरती का विलोम शब्द आकाश। धर्म का विलोम शब्द अधर्म, इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है और आ का अर्थ होता है नहीं, तो जो धर्म से संबंधित नहीं है, जहाँ धर्म का पालन नहीं है वहाँ अधर्म है। मान का विलोम शब्द अपमान, यहाँ पर हमने अप उपसर्ग लगाया हुआ है, ठीक। अपनी क्या होता है? बुरा, तो बुरा मान, यानी कि अगर आप किसी का बुरा मान करें, अच्छा मान ना करें, तो आप उसका अपमान कर देते हैं। दयालु का निर्दय, दया जिसके अंदर होती है वो दयालु, और निर्मीस नहीं, जिसके अंदर दया नहीं होती, इसमें निर उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक, तो जिसके अंदर दया नहीं है वो निर्दय। स्वर्ग, स्वर्ग का विलोम शब्द माना जाता है नरक। इसी तरह से उदय, उदय का विलोम शब्द है अस्त, सूरज निकलने को उदय बोलते हैं सनराइज, और सूरज के छिपने को अस्त बोलते हैं सनसेट। राग, राग का विलोम शब्द है विराग, तो राग का मतलब प्रेम से भी होता है, ठीक, और स्नेह से भी होता है, और विराग मतलब जहाँ पर राग ना हो वहाँ विराग। जय का विलोम शब्द क्या हुआ? जय का विलोम शब्द हुआ पराजय, ठीक है। यहाँ देखिए, यश का विलोम शब्द हुआ अपयश। यश मीन्स गौरव, आपकी प्रसिद्धि, आपकी पॉपुलरिटी, और अगर आपकी प्रसिद्धि पॉपुलरिटी बुरे रूप में है तो वो अपयश हो गया। गुरु मीन्स होता है बड़ा, एक गुरु आपके गुरु भी होते हैं, तो ये अनेकार्थी शब्दों में आ सकता है कि गुरु मीन्स बड़ा भी होता है और गुरु मीन्स आचार्य भी होते हैं, है ना। तो उसका विलोम शब्द हुआ लघु, लघु का मतलब छोटा। राजा का विलोम शब्द हुआ रंग, राजा जिसके पास धन धन हो, दौलत हो, वैभव हो, और रंग मतलब भिखारी हो, कुछ ना हो उसके पास। दिन का विलोम शब्द हुआ रात, इधर ध्यान रखिएगा, दिन का रात और सुबह का शाम। उपकार का विलोम शब्द हुआ अपकार, उपकार मतलब किसी की मदद करना, है ना, और अपकार मतलब किसी की मदद ना करना। आदान मतलब देना, आदान, और इसका विलोम शब्द हुआ प्रदान, आदान और प्रदान, ठीक। आदान मतलब आना और प्रदान मतलब देना, उल्टा हो गया था, आदान मतलब लेना और प्रदान मतलब देना। जरा, जरा का मतलब होता है जरा, एक वो भी होता है ना, जरा सा नमक देना, वो भी होता है इसका मतलब, वैसे यहाँ जरा का मतलब बूढ़ा से है, और इसका विलोम शब्द हुआ यौवन, यौवनी जवानी, बुढ़ापा और जवानी। सत्य का विलोम शब्द झूठ नहीं है, असत्य, जिस भाषा में लिखा जा रहा है उसी भाषा में विलोम शब्द भी लिखेंगे, सत्य का विलोम शब्द असत्य। सच का झूठ लिख सकते थे हम, अगर यहाँ सच होता तो झूठ लिख देते। आय का विलोम शब्द व्यय, आय मतलब कमाना, इनकम, और व्यय मतलब खर्च करना। हानि का विलोम शब्द लाभ, हानि मतलब नुकसान, लाभ मतलब प्रॉफिट। सर्दी का विलोम शब्द गर्मी, और जड़ का विलोम शब्द चेतन। जड़ मतलब जैसे पेड़ की जड़ है, है ना, उसमें कोई उस तरह से जान नहीं है, एकदम शांत पड़ी हुई है, ठीक, चलती फिरती नहीं है। और चेतन मतलब जिसमें चेतना हो, जिसमें जान हो, जो हंसता हो, जो बोलता हो, जो फील करता हो, ठीक, जो रोता हो,
तो जड़ और चेतन इन दोनों का जोड़ा होता है। आगे देखिए, तीव्र मतलब तेजी से और मंद मतलब धीमे, तीव्र का विलोम शब्द मंद। पूर्ण मतलब कंप्लीट और अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट, तो पूर्ण का विलोम शब्द अपूर्ण। हर्ष मतलब खुशी और शोक मतलब गम दुख, तो हर्ष का विलोम शब्द शोक। संयोग का मतलब मिलना और वियोग का मतलब बिछुड़ना, संयोग मतलब मिलना उसका विलोम शब्द वियोग। गौण और उसका विलोम शब्द होता है मुख्य। गौण का मतलब जो नॉन इम्पॉर्टेंट हो, इम्पॉर्टेंट ना हो, इसके ऊपर ध्यान देना मतलब ज़रूरी ना हो, और मुख्य मतलब मेन होता है, तो गौण का विलोम शब्द मुख्य। चर का अचर, चर मीन्स चलने वाला है ना, और अचर मीन्स जो ना चर पाए, जो ना चल पाए, तो वो अचर है। रक्षक रक्षा करने वाला, और भक्षक यानी कि आप का भक्षण करने वाला, आपको खाने वाला, आपकी रक्षा करने वाला, आपकी जीवन की रक्षा करेगा, और भक्षक क्या करेगा, वो आपके जीवन का हरण कर लेगा, आपका जीवन ले लेगा, आपको खा लेगा, है ना। तो रक्षक का रक्षक। जड़ चेतन हो गया। सौभाग्य मतलब आपका सुंदर भाग्य है, दुर्भाग्य आपका बुरा भाग्य है। तो बोलते हैं कि बेटी के सौभाग्य से मेरे घर में आज धन ही धन है, और बोलते हैं कि इनके दुर्भाग्य से आज हमारा सब कुछ चला गया है, तो बुरा भाग्य और अच्छा भाग्य। सदाचार और दुराचार आचार से बना है, आचार से बना है ना। तो बुरा अच्छा आचार अगर आप कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार अगर आप कर रहे हैं तो सदाचार है, और अगर आप बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो दुराचार है। पाप और पुण्य, अच्छा काम करेंगे तो पुण्य है और बुरा काम करेंगे तो वो पाप है। कुछ और शब्द भी हैं, देखिए, जय पराजय के बाद जीवन और जीवन का विलोम शब्द मरण। जीना होता तो मरना लिखते हैं, जीवन है तो मरण लिखेंगे, जन्म होता तो मृत्यु लिखते हैं। धर्म और अधर्म, ये तो हो गया हमारा धर्म और अधर्म, वहाँ पढ़ा था हमने धर्म और अधर्म, ऊपर पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए, न्याय और न्याय का विलोम शब्द क्या हुआ, अन्याय। जहाँ न्याय ना हो, उपसर्ग लगा है तो वहाँ अन्याय है। यहाँ देखिए, निराकार यानी कि जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, जैसे ईश्वर, ईश्वर का कोई आकार नहीं माना जाता, निराकार है वो तो। और साकार इंसान है, इंसान का तो आकार होता है, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो साकार है, उसका आकार होता है। शाश्वत, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, कंटिन्यूटी में जो रहे, कभी ख़त्म ना हो, कभी नष्ट ना हो, वो शाश्वत है, जो हमेशा चले। हमेशा क्या चलता है, हमेशा हमेशा प्रकृति रहेगी, है ना, क्षणिक, जो कुछ क्षण रहे और उसके बाद फिर ख़त्म हो जाए, जैसे इंसान 60-70-80 साल जिंदा रहता है फिर ख़त्म हो जाता है, इंसान जो है वो क्षणिक है, ईश्वर है जो प्रकृति है वो शाश्वत है। अच्छा, अच्छा का विलोम शब्द क्या हुआ, बुरा, अच्छा बुरा। इसी तरह से देखिए, मान और अपमान, जैसे यश और अपयश था, और मान और अपमान भी हम पढ़ चुके हैं वैसे, तो इसे भी कट कर देते हैं। उत्थान, उत्थान मतलब उठना, उठने से बना है उत्थान, और उसका नीचे विलोम शब्द हुआ पतन, पतन मतलब नीचे गिरना। तो उठना, अगर आप बौद्धिक रूप से अपना विकास कर रहे हैं तो आपका उत्थान हो रहा है, और अगर आप निम्न दर्जे की सोच रखते हैं, दोयम दर्जे की सोच रखते हैं, गलत और गंदी सोच रखते हैं, तो आपका पतन हो रहा है। इसी तरह से देखिए, औपचारिक, औपचारिक का मतलब इंग्लिश में होता है फॉर्मल, और इसका विलोम शब्द हुआ अनौपचारिक, नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल। तो जब हम ऑफिस के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारा औपचारिक व्यवहार होता है, और जब हम अपने घर में घर के परिवार के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारा व्यवहार अनौपचारिक होता है। तो देखिए, आपने ये सारे थे आपके विलोम शब्द, इन सारे विलोम शब्दों को समझना है, इन्हें प्रयोग करना है, और अपनी नोटबुक में इन्हें लिखना है, है ना। और कोशिश हम ये करेंगे कि हम कुछ ऐसे सेंटेंस बनाएं जिन सेंटेंस में हम दोनों विलोम शब्दों का उपयोग कर पाएं। जैसे आपने विलोम शब्द लिखा सत्य का असत्य, अब आपको इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाना है, और सेंटेंस में आपको लिखना है कि दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल हो जाए। तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं जैसे कि, युद्ध में हमेशा असत्य पर सत्य की जीत होती है, युद्ध में हमेशा असत्य पर सत्य की जीत होती है, एक सेंटेंस हमने लिख दिया। इसमें हमने असत्य का भी इस्तेमाल किया और सत्य का भी इस्तेमाल किया। तो ऐसे कुछ सेंटेंस आपको बनाकर लिखने हैं, ठीक है। कुछ और सेंटेंस हम भी देखते हैं। देखिए, जैसे हानि और लाभ है, तो हानि और लाभ, हमें कुछ ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें दोनों शब्दों का प्रयोग हो जाए।
तो हमने लिखा कि हमने एक नया व्यापार प्रारंभ किया। उस व्यापार में मेरे दोस्त को हानि हुई लेकिन मुझे लाभ हुआ। उस व्यापार में मेरे दोस्त को हानि हुई लेकिन मुझे लाभ हुआ। सर्दी और गर्मी देखिए, सुबह सुबह बहुत सर्दी थी लेकिन अब दोपहर में गर्मी हो गई है। ऐसा हम बोलते हैं कि सुबह सुबह बहुत सर्दी थी लेकिन अब दोपहर में गर्मी हो गई है। और देखिए, हमने इधर लिया सेवक और स्वामी। सेवक और स्वामी का परस्पर रिश्ता प्रेम का होना चाहिए, है ना, घृणा का नहीं होना चाहिए। सेवक और स्वामी में आपसी रिश्ता प्रेम का होना चाहिए। धरती और आकाश। धरती को माँ का दर्जा दिया गया है और आकाश को पिता का दर्जा दिया गया है। धरती को माँ मानते हैं हम और आकाश को पिता मानते हैं, है ना। मान और अपमान। तो मान और अपमान के चक्कर में क्यों पड़ते हो? तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। तो मान और अपमान के चक्कर में क्यों पड़ते हो? तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। तो ऐसे मैंने कुछ उदाहरण आपको बता दिए हैं। इस तरह से उदाहरणों का प्रयोग करते हुए आपको सभी विलोम शब्दों पर क्या करनी है? सेंटेंस बनाने हैं, और सेंटेंस सब खुद से बनाने हैं, ठीक है। जो सेंटेंस आपको ना आए वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो आए उसे बिल्कुल आप बनाइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।